तो गाइस चलने की बात करें तो गाइस सभी पेन हमारे काफी स्मूथ चल रहे हैं, तो चलने में किसी पेन की कोई दिक्कत नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लव एटीजेड पर। तो गाइस आज की वीडियो हमारे पास ये देखिए 5 रुपीज में आने वाली जितने भी मुझे मार्केट में अवेलेबल पेन मिले, तो ये मैं आपके लिए सारे पेन लेके आ गए जो हमारे 5 रुपीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम इन्हें कंपेयर करेंगे इनकी बिल्ड क्वालिटी पे एंड इन्हें कंपेयर करेंगे इनकी स्मूथनेस पे। एंड गाइस सभी टेस्ट करने के बाद आपको लास्ट में हम बताएंगे कि आपको कौन सा पेन बाय करना चाहिए एंड कौन सा पेन बाय नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इन सभी पेन्स का नाम बता दूं। गाइस सबसे फर्स्ट हमारे पास ये देखिए सबसे पुराना पेन जो हमें 045 पेन देखने को मिलता है रेनॉल्ड्स की तरफ से। एंड गाइस सेकंड हमारे पास है सेलो की तरफ से आने वाला विनर पेन। एंड गाइस उसके बाद थर्ड हमारे पास है सेलो की तरफ से आने वाला स्मार्टी। एंड गाइस फोर्थ हमारे पास है सेलो की तरफ से आने वाला ट्राई प्लस। एंड गाइस ये हमारा आर्या की तरफ से आने वाला एक ही पेन है जो हमें आर्या कंपनी की तरफ से आता है जो हमारा त्रिवा पेन है। तो गाइस ये देखिए। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास टोटम की तरफ से आता है ये देखिए हुटर पेन। एंड गाइस ये हमारा विन की तरफ से आता है विनटेक पेन। एंड गाइस ये फ्लेयर की तरफ से भी हमें एक ही पेन देखने को मिलता है जो इजी क्लिक है, जो क्लिक वाला पेन होता है। एंड गाइस ये देखिए मैको की तरफ से आने वाले हमारे पास 5 पेन है, इनका मैं नाम बता दूं। तो ये देखिए मैको की तरफ से आने वाला फर्स्ट हमारे पास है पेस्टल बॉल। एंड गाइस सेकंड हमारे पास है आई फ्लो। एंड थर्ड हमारे पास है व्हाइट पेन। एंड गाइस फोर्थ हमारे पास है जिप पेन। एंड गाइस फिफ्थ हमारे पास है ओस्का पेन। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास ये 4 पेन हमें एल्कोस की तरफ से देखने को मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले एल्कोस का पेन जो हमारे पास आता है वो है लियाना। एंड सेकंड हमारे पास है अनोन। और थर्ड हमारे पास जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है एल्कोस की तरफ से आने वाला वो हमारे पास है सिग्नी। एंड गाइस फोर्थ हमारे पास है ओरा पेन। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको बिल्ड क्वालिटी की बताऊं तो ये देखिए गाइस सबसे पहले हमारे पास है ये देखिए नॉर्ड्स की तरफ से आने वाला 045 पेन। तो गाइस ये देखिए हमें कुछ इस तरह से व्हाइट कलर की बॉडी एंड ब्लू कलर का कैप हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस ये हमारा कुछ ये नाम दिया है एंड रेनॉल्ड्स की ब्रांडिंग दी हुई है। एंड गाइस ये देखें अगर हम ओपन करें तो ये देखिए गाइस ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस जो निब्स के वो 0.7 mm की निब देखने को मिलती है। एंड गाइस क्वालिटी वाइज ये काफी बेस्ट लगता है क्योंकि ये थोड़ा पुराना भी पेन है। एंड गाइस ये अभी चलने में इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है तो मैं आपको बाद में चलाकर भी दिखाता हूँ। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास है ये देखिए सेलो की तरफ से आने वाला विनर पेन जो गाइस ये देखिए इस तरह से मैट ब्लैक की बॉडी में देखने को मिलता है। एंड गाइस ये देखिए ये हमारा कैप कुछ इस तरह से है। एंड गाइस अगर हम ओपन करें तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड इसको रखते हैं यहाँ पे। एंड गाइस ये हमारा सेलो की तरफ से आने वाली जो हमारे पास है ये देखिए सेलो की तरफ से आने वाला स्मार्टी पेन जो गाइस ये देखिए मैट ब्लैक की बॉडी में देखने को मिलता है। एंड ये देखिए गाइस ये क्लिकी पेन है। एंड गाइस ये मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छा से इसमें साउंड भी सुनने को मिलता है। एंड गाइस ये देखिए ये हमें कुछ इस तरह से कलर में ये 5 कलर हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये हमारा ब्लू कलर है, इसी तरह इसमें 5 कलर हमें देखने को मिलते हैं। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास है ये देखिए सेलो की तरफ से आने वाली जो ट्राई प्लस है इसकी बॉडी ये देखिए गाइस बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे कुछ रबराइज फील दी हुआ है एंड यहाँ पे रबड़ दी हुई जो हमें पकड़ने में काफ़ी मदद करती है। ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छी से हमें ग्रिप देती है। एंड गाइस ये मोटा पेन होता है। एंड गाइस इसकी जो निब काफ़ी मोटी है तो गाइस जो डार्क पेन यूज़ करने वाले तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद आता है आर्या का त्रिवा पेन। तो गाइस ये देखिए ये हमारे पास पिंक कलर में, इसमें हमें 5 कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन होता है। एंड ये एंड ट्राई प्लस गाइस ये दोनों सेम ही बिल्कुल कॉपी, बस कलर का फर्क है। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास है ये देखिए टोटो की तरफ से आने वाला हुटर पेन। तो गाइस ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, इसमें भी हमें 5 कलर्स अवेलेबल है। एंड गाइस बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है, ये ब्लैक कलर एंड कॉम्बिनेशन इसका येलो के साथ दिया हुआ है। एंड गाइस इसके बाद है जो हमारा विनटेक जो हमें ट्रांसपेरेंट बॉडी में देखने को मिलता है। एंड गाइस ये 5 रुपीज़ के मुकाबले काफ़ी चीप सा पेन देखने को मिलता है, ये लगता नहीं कि 5 रुपये का पेन होगा। एंड गाइस इसको हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। एंड गाइस ये हमारा फ्लेयर की तरफ से जो हमें एक ही पेन देखने को मिलता है ये इजी क्लिक नाम से है। एंड गाइस ये भी 5 कलर्स में आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छा सा हमें क्लिक साउंड इसका देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस क्लिक की पेन है इसलिए क्लिक साउंड भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे ये देखिए गाइस आपको देखने को मिल रहा है फ्लेयर की ब्रांडिंग दी हुई है, तो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसके बाद हमारे पास आता है ये देखिए मैको कंपनी की तरफ से आने वाला पेस्टल बॉल। तो गाइस ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमें कलर देखने को मिलता है। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छेद देखने को मिलता है, जो हमारे पुराने पेन आते थे उसमें हमें छेद देखने को मिलता है जो हमारे 10 रुपये एमआरपी वाले। एंड गाइस कैप की बात करें तो ये देखिए गाइस कैप थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के मुकाबले मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला, पर क्वालिटी इसकी बेस्ट लग रही है। एंड गाइस उसके बाद हमारे पास आता है आई फ्लो। तो जो ये देखिएगा ये हमें ट्रांसपेरेंट बॉडी में हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस ये देखिए जो हमारा कैप है ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस ग्रिप वाइज बात करें तो गाइस ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है।
एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है मैको का वाइट पेन। तो गाइस ये देखिए काफ़ी अच्छा सा जो हमें कलर देखने को मिलता है, ये नॉर्मली तो ये गर्ल्स को काफ़ी अच्छा दिखने वाला पेन है। एंड गाइस काफ़ी स्लिम सा पेन है। एंड गाइस बॉडी की बात करें तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से हमें बॉडी देखने को मिलती है। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है ये हमारा मैको का जिट पेन। तो गाइस जिट पेन भी ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रबड़ दी हुई है। एंड ये देखिए गाइस ग्रिप भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एंड ये भी हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। और जो हमारा कैप है ये थोड़ा सा धुंधला सा मतलब ब्लर टाइप देखने को मिलता है। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है मैको का उसका पेन जो हमें देखिए गाइस ब्लैक कलर की बॉडी में हम देखने को मिलता है। एंड ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ है। एंड गाइस कैप क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेस्ट हमें देखने को नहीं मिलती, बाकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है इसकी। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है जो एल्कोस के हमारे चार पेन है। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे एल्कोस के लियाना पेन से। तो ये देखिए गाइस बॉडी इसकी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। एंड गाइस ये हमारे जो नॉर्मल हमारे जो 2 या 3 रुपए वाले पेन आते थे ना उसकी तरह हमें देखने को मिलता है। एंड कैप भी इसका बिल्कुल वैसा ही है, तो ये इस तरह में देखने को मिलता है। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है एल्कोस की तरफ से अनोम पेन। तो ये गाइस ये हमें ट्रांसपेरेंट बॉडी में देखने को मिलता है। एंड गाइस ये कुछ इस तरह से हमारा कैप देखने को मिलता है। एंड गाइस ये हमारी जो रबड़ाइज फील देखने को मिलती है। एंड गाइस ये हमें पकड़ने में गाइस ये काफ़ी स्मूथ मुझे फील हुआ है। एंड गाइस इसको भी हम रखते हैं इसके बाद साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास आता है एल्कोस का सीरी पेन। तो गाइस ये देखिए काफ़ी अच्छे से इन्होंने कलर दिया। एंड इसमें भी ये हमें 5 कलर्स में हमें देखने को मिलता है। ये गाइस काफ़ी अच्छे से इनमें 5 नियॉन कलर्स में हमें देखने को मिलता है। एंड गाइस ये एल्कोस का सिग्नी। एंड ये देखिए गाइस मैको का वाइट पेन, ये हमें गर्ल्स को काफ़ी पसंद आने वाला पेन है क्योंकि काफ़ी स्लिम है दोनों। एंड गाइस क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट मुझे देखने को मिलते हैं। एंड गाइस ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलते हैं। एंड गाइस ये ग्रिप वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास आता है एल्कोस का ओरा पेन। तो गाइस ये देखिए हमारी बॉडी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। ये देखिए गाइस इसमें छेद इस तरह से हमारे छेद बनाए हुए हैं। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छा से इन्होंने कलर भी देखने को मिलता है। एंड कैप की बात करें तो कैप भी क्वालिटी वाइज काफ़ी बेस्ट है। एंड गाइस ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो इसको भी हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। तो गाइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए गाइस ये हमारा विंटेक। एंड ये देखिए गाइस ये वाइट पेन। और गाइस ये हमारा सेलो का विनर पेन को छोड़ के सभी पेन्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। पर गाइस मुझे अगर पर्सनली पूछे तो ये हमारा रेनॉल्ड्स का 045 एंड ये देखिए गाइस सेलो का स्मार्टी एंड ओरा पेन हमें बिल्ड क्वालिटी में मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज पेन में आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ ये सभी पेन हमें 5 रुपये में आपको मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो गाइस ये देखिए हमारे सभी पेन्स को हम इस कॉपी पे टेस्ट करेंगे इसमें चलने की क्वालिटी किस तरह है। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हमारा नॉल्स का 045 पेन। तो ये देखिए गाइस ये हमारा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये देखिए चलने में कुछ इस तरह से। एंड गाइस सेकंड हम बात करें तो गाइस ये देखिए ये हमारा जो सेलो का विनर है इसको हम चलाते हैं सेकंड। तो गाइस इसी के साथ मैं सभी पेंस को चला लेता हूं। तो गाइस चलने की बात करें तो गाइस सभी पेन्स हमारी काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं, तो चलने में किसी पेन की कोई दिक्कत नहीं। तो मैं गाइस अगर अब आपको बताऊं तो जो लाइट पेन यूज़ करते हैं गाइस तो ये देखिए 045 एंड काफ़ी हमें लाइट पेन से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए ये हमारी सीरी काफ़ी लाइट पेन है। एंड ये त्रिवा भी हमें लाइट पेन देखने को मिलता है। ये विनर एंड गाइस ये हमारा लीना पेन एंड 045 पेन हमें लाइट देखने को मिलते हैं। एंड गाइस जो स्टूडेंट डार्क पेन यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस सबसे ज़्यादा डार्क हमारा सेलो का ट्राई प्लस है, सबसे ज़्यादा डार्क चलता है। एंड गाइस उसके बाद थोड़ा सा ये देखिए मैक का आई फ्लो भी डार्क चलता है। एंड ये अनोम भी एंड सिग्नी भी डार्क चलता है। तो गाइस चलने में किसी पेन की कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पेन बाय कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारे 045 पेन ओरा एंड सेलो का स्मार्टी पेन की हमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर हमारे क्लिक वाले पेन की बात करें तो ये देखिए सेलो का स्मार्टी एंड ये फ्लेयर का इजी क्लिक, दोनों क्लिक वाले पेन है। इन दोनों में हमें स्मार्टी पेन ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है बिल्ड क्वालिटी वाइज। एंड गाइस अगर चलने क्वालिटी बताएं तो इजी क्लिक हमें ज्यादा बेटर चलने में परफॉर्मेंस देता है।
एंड गाइस अगर हमारे एल्कोस कंपनी की बात करें तो ये भी हमारे चार पेन हमें देखने को मिलते हैं, उसमें ओरा पेन हमारे चलने में एंड सिग्नी पेन हमारे चलने में काफ़ी बेस्ट देखने को मिलता है, एंड लाइट पेन जो हमारा लेना लाइट पेन चलता है। एंड गाइस ये बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए बॉडी हमें सिग्नी काफ़ी बॉडी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिलती है, ये देखिए सिग्नी पेन जो हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, एंड जो ओरा पेन है ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो गाइस अगर चलने की बात करें तो सिग्नी पेन भी काफ़ी बेटर चलता है, मतलब 5 रुपीज़ के अंडर काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला पेन है सिग्नी, तो वैसे इसीलिए आप सिग्नी को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना कि जो कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इन पेंस की पूरी जानकारी मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जो कि ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।